हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स। देखिए, पॉइंटर्स क्या होते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन और कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये काफ़ी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज कुछ हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर। तो देखिए, पॉइंटर में क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखते हैं हम से ऑपरेशंस ऑन, ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स, ठीक है। हमें मालूम है कि एन इंटीजर वैल्यू कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए पॉइंटर वेरिएबल, दो द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड वेरी केयरफुली। मतलब क्या हुआ, इसे मान लीजिए कि कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, से देर इज एनी वेरिएबल एक्स, ठीक, और इसका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो पी एक्स है। पी एक्स क्या बताता है, ये बताता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है, ये इसका पॉइंटर वेरिएबल है। अब क्या होता है कि वी कैन राइट एक्सप्रेशन सच एज, अब मान लीजिए हमने कोई ऐसे एक्सप्रेशन दिया से हमने कहा प्लस प्लस पी एक्स, या हमने कोई एक्सप्रेशन दिया माइनस माइनस पी एक्स, या हमने कोई एक्सप्रेशन दिया सपोज कीजिए पी एक्स प्लस थ्री, या हमने कोई और एक्सप्रेशन दिया इसी तरह पी एक्स प्लस वन, ठीक है, या ऐसे हमने दिया पी एक्स माइनस वन। ये डिफरेंट जो है एक्सप्रेशन हमने दिया, जहाँ पे ये हमने जो पी एक्स प्लस आई और पी एक्स माइनस आई, यहाँ पे हमने लिखा वेयर I is, where I is an integer, ठीक है। अब क्या होगा कि each expression will represent an address that is located some distance from the original address represented by px। मतलब क्या हुआ कि इनमें से चाहे ये है, चाहे ये है, ये एक अलग एड्रेस बताएंगे और जो पी एक्स से एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि पी एक्स प्लस थ्री, ठीक है, ये कौन सा एड्रेस बताएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए मान लीजिए ये एड्रेस जो है, ये मेमोरी सेल, इसका एड्रेस है पी एक्स, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा कि पी एक्स के में प्लस थ्री, ठीक है, तो पी एक्स प्लस थ्री का मतलब हो गया कि अगर हम इंटीजर टाइप डाटा हमने लिया हुआ है एरे में, तो एक एक डाटा कितनी जगह घेरेगा, 2 बाइट, तो ये हो गया 2 बाइट, फिर ये हो गया 2 बाइट, और फिर मान लीजिए ये हो गया 2 बाइट। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2 बाइट, क्योंकि इंटीजर जो है 2 बाइट डाटा जगह स्पेस घेरता है। तो जब हम पी एक्स प्लस थ्री की बात करेंगे तो थ्री का मतलब हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, ये तो हो गया पी एक्स प्लस थ्री, और इसके बाद का जो एड्रेस है, ठीक है, तो 2 2 4 और 2 6, ये वाला जो एड्रेस आएगा ये होगा पी एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द एक्सप्रेशन पी एक्स प्लस थ्री विल रिजल्ट इन एन एड्रेस दैट इज 6 बाइट्स बियॉन्ड द इंटीजर टू विच पी एक्स पॉइंट्स। तो पी एक्स जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसमें आप 6 बाइट जगह और जोड़ दीजिए, फिर उस एड्रेस को वो एड्रेस पॉइंट होगा किससे, पी एक्स प्लस थ्री से। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि इट शुड बी नोटेड दैट दिस न्यू एड्रेस विल नॉट नेसेसरी रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ अनदर डाटा आइटम। तो ये जो नया एड्रेस है ये जरूरी नहीं है कि ये नया किसी और डाटा आइटम का एड्रेस ही बताए। पर्टिकुलरली इफ द डाटा आइटम्स स्टोर्ड बिटवीन द टू एड्रेसेस इन्वॉल्व डिफरेंट डाटा टाइप। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और डाटा टाइप है, यहाँ पे कोई और डाटा टाइप है,
तो जरूरी नहीं है कि ये जो PX+3 है ये उस डाटा एलिमेंट का एड्रेस ही बताए। क्लियर? तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो हम एक प्रोग्राम की एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम लिखा, सपोज कीजिए हमने यहाँ लिखा इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से मेन फंक्शन शुरू कर दिया और यहाँ पे पहले जो भी वेरिएबल्स वगैरह हमें आगे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमने डिक्लेयर किया इंटीजर, ये हो गया पॉइंटर वेरिएबल px, फिर हो गया इंटीजर आई इक्वल टू 1, फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट एफ इक्वल टू 0.3, फिर हमने लिया डबल फ्लोट या डबल, ये हो गया आपका 0.005। उसके बाद हो गया कैरेक्टर सी, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू एस्ट्रेस साइन। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि px इज इक्वल टू, मैं लिखा एड्रेस ऑफ i, px इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i। ठीक, अब इसमें हमने प्रिंट एफ कराया, प्रिंट एफ वैल्यूज आई इक्वल टू परसेंटेज आई, एफ इक्वल टू परसेंटेज एफ, डी इक्वल टू अगेन परसेंटेज एफ, सी इक्वल टू परसेंटेज सी और फिर स्लैश एन, दो बार स्लैश एन आपने दे दिया, कॉमा, यहाँ हो जाएगा आई एफ डी सी। ये तो हो गया आपका वैल्यूज का। फिर हमने कहा प्रिंट एफ एड्रेसेस, तो यहाँ हमने लिखा प्रिंट एफ एड्रेसेस एम्परसेंट आई एक्स 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 एक्स, फिर हमने लिखा स्लैश एन कोट्स क्लोज्ड कॉमा एम्परसेंट एफ एम्परसेंट डी और एम्परसेंट सी, ये हो गया। अब उसके बाद पॉइंटर की जो वैल्यूज आएगी तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंटर वैल्यू इसको अगर प्रिंट कराने के लिए आप प्रिंटर में देना पड़ेगा इसको, तो आप ऐसे लिखिए डायरेक्ट देने की बजाय आप यहाँ लिखिए प्रिंट एफ पॉइंटर वैल्यूज पी एक्स इज इक्वल टू एम्परसेंट एक्स पी एक्स प्लस 1 एक्स पी एन प्लस 2 एक्स
एक्स प्लस थ्री इक्वल टू परसेंटेज एक्स ये हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम वैल्यू दे देंगे पी एक्स कॉमा पी एक्स प्लस वन कॉमा पी एक्स प्लस टू प्लस थ्री। ये ठीक है, तो ये इस तरह से आप इनकी परसेंटेज वैल्यू और ये जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज द वैल्यूज एंड एड्रेसेस एसोसिएटेड विद फोर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। पहला हो गया इंटीजर वेरिएबल, दूसरा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, तीसरा हो गया डबल प्रिसिशन वेरिएबल, और चौथा हो गया ए करेक्टर वेरिएबल। तो आई एफ डी सी से ये चार तरह के वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। द प्रोग्राम आल्सो मेक यूज ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल पी एक्स विच रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ आई। तो यहाँ पे जो पॉइंटर पी एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ आई। ठीक है, ये आई के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ पी एक्स, पी एक्स प्लस वन, पी एक्स प्लस टू, पी एक्स प्लस थ्री एंड पी एक्स प्लस थ्री आर ऑल्सो डिस्प्लेड सो दैट दे मे बी कंपेयर्ड विद द एड्रेस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक, तो यानी कि इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, तो इस आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन यू विल गेट द फाइनल आउटपुट एज। अब देखिए जो आउटपुट आएगा वो हम आपको रेड कलर में लिख दे रहे हैं। तो आउटपुट ऐसे आएगा, पहले लिखा हुआ आएगा वैल्यूज, और वैल्यूज में आई इक्वल टू वन, एफ इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो 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 जीरो, डी इक्वल टू और C इक्वल टू हो जाएगा 0.3000। ये अब एड्रेसेस जो प्रिंट होगा वो इस तरह होगा एम्परसेंड आई पॉइंटर वैल्यूज आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू 117 ई, फिर पी एक्स प्लस वन वन एट्टी, फिर पी एक्स प्लस टू 1882। ठीक है, और
लास्ट वाला जो रह गया आपका परसेंटेज सी, ये हो गया 1184, यह हो जाएगा 1180। तो इस तरह से आप पांडुरंग की वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो ये पी एक्स प्लस वन आपका हो जाएगा 1180, नहीं पी एक्स प्लस वन मान लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1180। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1180। तो पी एक्स प्लस टू हो जाएगा, दो बाइट आप जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 1182। ऐसे पी एक्स थ्री प्लस हो जाएगा आपका 1184। तो इस तरह से आपको वैल्यूज, एड्रेस, पॉइंटर वैल्यूज, तीनों चीज़ें हमने आपको डिस्प्ले कर दी। अब इसमें देखिए, सिंपली इसमें जो देखने वाली चीज़ है इस प्रोग्राम में वो ये है कि द फर्स्ट लाइन सिंपली डिस्प्लेज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो ये पहली लाइन क्या दिखा रहा है, ये केवल आपको वैल्यू दिखा रहा है वेरिएबल्स की। ठीक है, ये पहली लाइन जो है आपको केवल वैल्यू दिखा रहा है। ठीक, सेकेंड एंड द सेकेंड लाइन डिस्प्लेज दियर एड्रेसेस, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है। जैसे आई इक्वल टू वन, तो वन कहाँ स्टोर है, 117 ई लोकेशन पे। डी बराबर 0.005000 कहाँ स्टोर है, यह है आपका 1186, 1186 लोकेशन पे। ठीक, तो जो सेकेंड लाइन है आपकी, दैट डिस्प्लेज एड्रेसेस एज असाइंड बाय द कंपाइलर। तो ये जो एड्रेस असाइन होते हैं, ये जो एड्रेस है वेरिएबल को, जो एड्रेस असाइन होते हैं वो किसके द्वारा असाइन होते हैं, कंपाइलर के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, नोटिस दैट द नंबर ऑफ बाइट्स एसोसिएटेड विद ईच डेटा आइटम इज डिफरेंट। तो ये तो आपको मालूम है कि किसी भी डेटा टाइप के साथ, जैसे हमने कहा कि करेक्टर डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है और डबल फ्लोट है या डबल है, तो हमें मालूम है कि इसके साथ एक बाइट स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसके साथ दो, इसके साथ चार, इसके साथ आठ। ठीक, तो उसमें वही कह रहा है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि द नंबर ऑफ बाइट्स एसोसिएटेड विद ईच डेटा आइटम इज डिफरेंट, हेंस द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाई आई रिक्वायर्स 2 बाइट्स। ठीक है, यानी कि इंटीजर वैल्यू आई, ये क्या है, आई इक्वल टू वन, आई क्या है, इंटीजर टाइप। तो इसके लिए जो उसकी जरूरत पड़ेगी मेमोरी की, वो 2 बाइट की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो यहाँ पे हो गया 117E पे और दूसरा हो जाएगा 117F पे। क्लियर, तो इसी तरह द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाई एफ अपीयर्स टू असाइन 6 बाइट्स। ठीक है, तो जो फ्लोटिंग पॉइंट है आपका, ये इसको 6 बाइट असाइन होगा, ये 1180 से लेकर 1185 तक। ठीक, दो ओनली 4 बाइट्स 1180 से 1183 एक्चुअली यूज फॉर दिस पर्पज। ठीक, तो इस तरह से कंपाइलर ऑटोमेटिकली मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर देता है वेरिएबल्स के लिए। ठीक, अब आ जाइए थर्ड लाइन ऑफ इनपुट पे, इस पे आइए। इसमें क्या है कि इट कंटेन द एड्रेसेस रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंटर एक्सप्रेशन, ये वो एड्रेस बता रहा है जो एड्रेस रिप्रेजेंट होता है किससे, इस पॉइंटर वेरिएबल से। ठीक, मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब पी एक्स किस किस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 117E को। पी एक्स वन प्लस वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1180 को। पी एक्स प्लस टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1182 को। और पी एक्स थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है 1184 को। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग एड्रेसेस जो है ये इंडिकेट करेगा। क्लियर, इफ पी एक्स इज डिफाइंड एज ए पॉइंटर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, देन एनी इंटीजर कॉन्स्टेंट दैट इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉइंटर will be interpreted differently. In particular, each integer value will represent an equivalent number of individual bytes if px points to a character, or a corresponding number of 4 byte multiples if px points to a floating point
तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटर्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि वन पॉइंटर वेरिएबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर प्रोवाइडेड बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेम एरे। द रिजल्टिंग वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स और बाइट्स सेपरेटिंग द करस्पॉन्डिंग एरे एलिमेंट। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि अगर सेम टाइप के एरे एलिमेंट हैं किसी एरे में तो उनके एड्रेसेस को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, पॉइंटर क्या इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे उसमें कोई वैल्यू ऐड हो सकती है, कैसे सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।